हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी सब ठीक हैं। और कल थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, सिर हैवी, शायद नींद की जैसे ही हो रहा था, पर अब सिर भी ठीक है। सुबह उठ के मम्मी की आँख में दवाई डाल दी है, गर्म पानी दे दी है, और चाय भी बना के पी ली है। और कल रात में भी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे। पता नहीं गांव में कैसा रहा होगा, क्योंकि हमारे तो गेहूँ भी पक गए थे, मतलब पापा बोल रहे थे एक आध दिन में कटवा लेंगे। तो पता नहीं कैसी बारिश है कैसे नहीं आज, तो मतलब कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश आने से पहले अंधकार आया था, देखो बालकोनी की क्या कंडीशन हो गई है, पूरा भरा पड़ा रेत से। बाहर अभी थोड़ा सूखा है, सूखा भी कहाँ है, जगह जगह पानी भरा है। और आज का मौसम मतलब लग तो खुला खुला ही रहा है, पता नहीं शाम तक कैसा रहेगा। हल्के हल्के बादल है, दिख रहे हैं सब स्टार्स, तो देखो इस साइड में दिखता है बादल तो ठीक है, पर देखो थोड़ी देर में शाम तक कैसा रहेगा। अच्छा रहे, बढ़िया ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ये हमें बहुत ज़्यादा काले काले से भी पड़े। और आज इतना काम खिंड रहा है, बच्चे लग रहे हैं बेचारे, अपनी अलमारी सेट कर दी लत्तों की, और बुक सेट कर रहे हैं, जो फालतू फालतू है उसको एक साइड में, जो ज़रूरत है वो एक साइड में सेट कर रहे हैं। और मेरा भी काम बाकी है, मैं बच्चों का बैग सिलने लगी है, थोड़ा थोड़ा फटा फटा था तो उसको मैंने सिला है। और मेरी मन में बैग धोने की, पर आज मौसम इतना ख़राब है, सुबह सुबह भी बारिश आ गई है, तो बैग तो शायद नहीं धुलेंगे, फिर धोऊंगी संडे को, ऐसे कुछ मौसम ठीक रहेगा तब धोऊंगी। और क्यों घर से आए ना, तो इतना काम बढ़ा पड़ा है, बहुत ज़्यादा जगह जगह काम खिंडा पड़ा है, देख लो इधर देख, टेबल भरी रहती है हमारे जब घर से आते हैं तो। हाँ, और अलमारी खुली कर रहा है कि पूरी सेट कर दी बेचारों ने। अब तो बच्चे मेरे बड़े हो गए, अपने खुद के कपड़े खुद रख लेते हैं, और मम्मी राउंड पे है, इधर उधर। और मैंने आटा लगा दिया है, क्यों घर गांव के माए जल्दी खाना खा लेते हैं ना, खाना खाते हैं तो इसकी आदत हो गई है, तो मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, पता नहीं क्यों। मैंने आटा लगा दिया है और अब मैं बनाऊँगी रोटी। मैं पहले थोड़ी सी झाड़ू निकालूंगी, क्योंकि बेड के नीचे से मैंने झाड़ू निकाली थी ना, तो पूरा घर मिट्टी मिट्टी सा हो रहा है, तो इसलिए मैं पहले थोड़ी सी झाड़ू निकाल के फिर मैं खाना बनाऊंगी। काम कुछ कर लिया, कुछ बाकी है, खाना हमने खा लिया है, गांव में जाने वाले गांव में गए, और हम सब अब देख रहे हैं टीवी। टाइम क्या हुआ है, 12 बज गए, मम्मी की आँख में दवाई दे लेगी, थोड़ी जड़ का सा आ रहा है, काम ज़्यादा है ना इसलिए। करने के बाद मैं सो गई थी, कम से कम एक घंटा तो आराम से सो गई, इतनी गहरी नींद आई थी कि मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। अरे बच्चे एक ऐसी मूवी देख रहे थे, ऐसी धुन लगा रही थी, कितनी प्यारी सी कती उसके अंदर, सिर्फ धुन ही धुन ज्यादा थी, बोल चाल कम थी, मन थी वो धुन सुनू और आँख वापिस आँख में लग जाए, जैसे ही खुले फिर वापिस लग जाए, इतनी गहरी नींद, जबरदस्ती उठनी पड़ी, जो कि शॉर्ट वीडियो बनानी थी ना, शॉर्ट वीडियो मैंने बना दी है। और आप जाके मेरा चैनल पे यूट्यूब बीना राठी के नाम से यूट्यूब पे मेरा चैनल मिलेगा, आप जाके जरूर देखो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम पी रहे हैं चाय, मम्मी जी पी चुकी, पी ली मम्मी तो पी ली है, मैं अब मेरी चली रही है अभी, और बातें करते करते चाय पी रहे हैं। अब बारिश का मौसम हो रहा है, बीच बीच में बारिश आ रही है जा रही है, मौसम आज का बहुत खराब है, कल देखेंगे कुछ कपड़े वगैरह धोएंगे, नहीं तो परसों संडे को ही धोएंगे अब कपड़े, तो बच्चों का बैग पैक वगैरह हो गया है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने का, बहुत शौक चढ़ रहा है, अभी 15 दिन घर बैठे हैं जब इतना चाव चढ़ रहा है, और जब डेली जाएंगे ना तब फिर रोएंगे, जल्दी उठेंगे ना।
और मैं और मम्मी कर रहे हैं धनिया की छटाई और बातचीत कर रहे हैं दूसरी आंख बनवाने की कि बनवाएं कि ना बनवाएं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है शाम तक घर वालों से बात करके। पीने के बाद लगी लगी मैंने सब्जी काट ली है क्योंकि आज मम्मी को जल्दी भूख लग गया यार। बच्चे बोल रहे हैं भूख लग रही है क्योंकि गांव की आदत पड़ रही है ना जल्दी खाने की। तो टाइम 5 बज रहे शायद, देखती हूँ 5:30 हो रहे हैं। तो गांव में 6 बजे से रोटी बन जाती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी बना देती हूँ। 1-2 दिन एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा। और आज लाइट जा रही है आ रही है, रसोई में अंधेरा है। और सब्जी मैंने शिमला मिर्च की काटी है और मैं सब्जी को कढ़ाई में छोकूंगी। अरे मैं लगा रही है छोक, ऐसा लग रहा है कि जल गया वो सब कुछ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमने नाटक भी देख लिया है और डिनर भी सबका हो गया है, दूध भी पी लिया है और मम्मी की आंखों का दवाई मतलब आंख में दवाई भी डाल दी है। अब बज रहे हैं 9, अब हो रही सोने की तैयारी। मम्मी यार लेट खाट में लेट गई है और बेटा है, बेटे की होगी तबीयत खराब क्योंकि कल हम गए थे मार्केट और मार्केट में बुक वगैरह लेने गए थे बच्चों की ड्रेस और बुक। तो गए तब बारिश नहीं थी, आए तब बारिश तेज़ आ गई थी, बच्चों के लग गए मतलब बारिश में भीग गए थे और कपड़ा चेंज भी कर लिया था आने के बाद। फिर भी पता नहीं क्यों आज बुखार हो गया, 101 डिग्री बुखार है। और दिन से लग रहा था मैंने कि टूटा टूटा सा मतलब फेस अलग से लग जाता है जब बच्चे बीमार होते थे। मैंने सोचा कि ऐसे ही हो रहा होगा, फ़ोन के चिड़चिड़ा सा बन जाता है ना, बच्चे डेली फ़ोन देखते हैं, तो इसलिए आज मैंने कम देखने दिया। तो फिर जैसे मैंने इसको हाथ में दूध पकड़ा है ना, इसको टच हुआ तब मैंने देखा भाई इसको तो बुखार है। दूध पीने के बाद मैं बोली कि आप चेक कर बुखार को, तो चेक किया जब बच्चे की निकला 101 डिग्री बुखार। और मैंने अब दवाई दे दी है इसको और 5 मिनट हुई है सोने में, अभी अभी है गर्म मतलब देखती हूँ तो ये मेरे पास ही सोएगा। तो अगर बुखार नहीं उतरेगा तो मैं आधी टेबलेट और दूंगी बाद में 5 घंटे बाद। तो ये कर रही हूँ मैं सोने की तैयारी। गुड नाइट गाइस, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। गुड नाइट।